Assalamu alaikum, my name is Muhammad Vaz. Hope you are all fine. Let's get moving to the topic. Today topic is what is company authentication code in UK and how to get company authentication code in UK. पहले हम बात करते हैं कि authentication code होता क्या है. जब हमने UK में LTD company को register कर लिया, अपनी details use करते हुए जब हमने कंपनी रजिस्टर कर ली यूके में एलटीडी कंपनी, तो उसके बाद फिर आपका जो भी आपने वहाँ पर एड्रेस यूज़ किया, आप पहले एक एड्रेस परचेज़ करते हैं जो कि आपका बिजनेस एड्रेस होता है. एक यूनिक एड्रेस आप परचेज़ करते हैं, उस एड्रेस को यूज़ करते हुए फिर आप एलटीडी कंपनी को रजिस्टर करते हैं. जब आपने अपनी एलटीडी कंपनी को रजिस्टर कर लिया, फिर उसके बाद फिर उस एड्रेस के ऊपर आपको एक ऑथेंटिकेशन कोड सेंड करते हैं जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट कंपनीज हाउस, वो आपको उस एड्रेस के ऊपर, वो जो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है, जो आपका कंपनी एड्रेस है, उसके ऊपर आपको ये ऑथेंटिकेशन कोड सेंड करते हैं. ये आपको 5 से 8 डेज के अंदर अंदर ये कोड आपको सेंड करते हैं जब आपकी कंपनी रजिस्टर होगी. तो इस कोड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इस कोड के ज़रिए आप अपने यूके एलटीडी कंपनी के पोर्टल को मेंटेन रखते हैं. आपने कोई भी ऑनलाइन फाइलिंग करनी है अपनी कंपनी के रिलेटेड, तो फिर आपको इस कोड की ज़रूरत पड़ती है. अगर आपने अपनी कंपनी में कोई चीज़ ऐड करनी है, यानी कि आपने अपनी कंपनी का नेम चेंज करना है, आपने एड्रेस चेंज करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन की आपने अपडेट करनी है, तो उसके लिए आपको ये कोड चाहिए. अगर आपने डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन चेंज करनी है, अगर आपने एड्रेस की इंफॉर्मेशन चेंज करनी है, अगर आपने कंपनी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, शेयर होल्डर्स की सारी इंफॉर्मेशन, ऑफिसर्स की, एम्प्लॉयज़ की कोई भी इंफॉर्मेशन आपने चेंज करनी है, तो उसके लिए फिर आपको ऑथेंटिकेशन कोड चाहिए. उसके बाद फिर आपने जब कन्फर्मेशन स्टेटमेंट को फाइल करना है, फिर उसके लिए भी आपको ऑथेंटिकेशन कोड चाहिए. जब आपने वेब फाइलिंग करनी है, तो उसके लिए भी ये कोड चाहिए होता है. यानी कि आपको हर जगह पर जब भी ऑनलाइन प्रोसेसिंग आपने करनी है अपनी कंपनी के मुतलका, तो फिर आपको इस कोड की ज़रूरत पड़ती है. अगर ये कोड आपको रिसीव नहीं हुआ, आपके रजिस्टर्ड एड्रेस के ऊपर आपको ये कोड रिसीव नहीं हुआ, तो फिर आप कंपनी हाउस की वेबसाइट पर जाकर उनको एक रिक्वेस्ट भेजते हैं अपने ऑथेंटिकेशन कोड के बारे में. तो आपकी कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन वो वहाँ पर आपसे रिक्वायर करते हैं. जब आप अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो फिर आपको वो कोड सेंड कर देते हैं जो कि आपके एड्रेस के ऊपर वो सेंड कर देते हैं. ये एक सिक्योरिटी रीज़न समझ ले आप, कि इसको सिक्योर करने के लिए वो ये एड्रेस के ऊपर सेंड करते हैं कोड. तो ये कोड हम किस तरह ले सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे. तो सिंपली चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. तो मैं सिंपली यहाँ पर गूगल में जाऊँगा, तो उधर मैं लिखूँगा सिंपली यूके कंपनी ऑथेंटिकेशन कोड. इसको मैं सर्च करूँगा. सर्च करने के बाद जो पहला लिंक आपके सामने पेयर होगा, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा. क्लिक करने के बाद फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा. इधर आप सिंपली स्क्रॉल डाउन करेंगे. स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप सेंड योर ऑथेंटिकेशन कोड, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे. जी क्लिक करने के बाद फिर ये पेज आपके सामने पेयर होगा, और इधर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे. स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप नीचे इसको स्टार्ट नो, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद फिर ये पेज आपके सामने पेयर होगा, और इधर आप अपनी कंपनी का नंबर देंगे. जब आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर कर लिया, तो कंपनी रजिस्टर करने के बाद फिर आपकी कंपनी का नाम और आपकी कंपनी का एक नंबर जो कि कंपनी हाउस की वेबसाइट के ऊपर वो सेव होती है. तो जब आप अपनी कंपनी की डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ से लेते हैं, तो फिर उसके ऊपर आपकी कंपनी का नंबर मेंशन होता है. तो सिंपली आप वहाँ से अपनी कंपनी का नंबर लेकर यहाँ पर आप पुट करेंगे. तो अपने सिनेरियो में मैं कंपनी नंबर यहाँ पर पुट कर देता हूँ. जी तो कंपनी नंबर पुट करने के बाद सिंपली मैं इधर कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा. अगर आपका आईडी यहाँ पर अकाउंट बना हुआ है, तो फिर आप इधर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यहाँ पर पुट करेंगे. अगर आपका नहीं बना, तो फिर आप नीचे यहाँ से
रजिस्टर कर लें। तो इधर हम रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप ईमेल पुट करेंगे और री इंटर ईमेल करेंगे, उसके बाद फिर आप इधर सेंड रजिस्ट्रेशन ईमेल, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। और जब मैं क्विकली पुट कर देता हूँ जी, तो ईमेल पुट करने के बाद सिंपली मैं इधर सेंड रजिस्ट्रेशन ईमेल, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा जी। तो उसके बाद फिर आपकी ईमेल के ऊपर वो एक लिंक भेजें जिसके ज़रिए आपकी ईमेल की वेरिफिकेशन हो जाएगी जी। तो ईमेल की वेरिफिकेशन करने के बाद यहाँ पर आप अपना पासवर्ड सेट करेंगे। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी पासवर्ड यहाँ पर रख सकते हैं। और इधर अपने सिनेरियो में क्विकली पासवर्ड पुट कर देता हूँ जी। पासवर्ड पुट करने के बाद सिंपली मैं कंप्लीट रजिस्ट्रेशन एंड साइन इन, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा जी। तो उसके बाद फिर ये पेज आपके सामने अपीयर होगा। इधर आपकी कन्फर्मेशन पूछना कि जो भी आपने अपनी कंपनी की डिटेल दी है वो आप चेक कर लें कि आपकी कंपनी की डिटेल करेक्ट है। अगर उसमें कोई गलती वगैरह है तो फिर सिंपली आप यहाँ पर बैक जाकर उस गलती को, उस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को आप करेक्ट कर सकते हैं। तो कंफर्म करने के बाद सिंपली आप इधर कंफर्म एंड कंटिन्यू, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे जी। तो उसके बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने अपीयर होगा। इधर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहा है कि आपका नेम, रोल, डेट ऑफ बर्थ, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको वो शो करा रहा है। तो उसके बाद सिंपली आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद सिंपली आप इधर आई कन्फर्म, इसके ऊपर आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद सिंपली आप कन्फर्म एंड सबमिट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे जी। तो उसके बाद फिर इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने अपीयर होगा। और ये आपको बता रहे हैं कि रिक्वेस्ट सबमिट, जो आपने रिक्वेस्ट की है ऑथेंटिकेशन कोड की, वो आपकी सबमिट हो चुकी है। तो इधर ये बता रहे हैं कि 5 वर्किंग डे के अंदर आपका ऑथेंटिकेशन कोड आपके ऑफिसर एड्रेस के ऊपर, जो आपने एड्रेस वहाँ से परचेज किया उस एड्रेस के ऊपर, वो कोड आपको सेंड कर देंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन आप उनकी सपोर्ट टीम से लेना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर उनकी ईमेल एड्रेस है, यहाँ पर उनका टेलीफोन नंबर है। तो यहाँ पर उन्होंने टाइमिंग भी बताई है कि मंडे टू फ्राइडे आप 8:30 AM से 5 PM तक आप इनको कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आप फाइंड आउट अबाउट कॉल चार्जेस, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप उनसे भी ले सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।